आज हम जानेंगे पैसे के बारे में कि ये कहाँ से आया, किसने और क्यों बनाया पैसे को, शिकार करने से लेकर डिजिटल तक के सफर तक को। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। 10,000 BC में इंसान शिकार करके जी रहा था और 6,000 BC आते आते सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान। ये सबसे पहले मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने स्टार्ट किया था, ज़रूरत के सामान जैसे खाना, हथियार, मसाले समुंदर पार ले जाकर अलग अलग शहरों में ट्रेड करना स्टार्ट किया। और इंडिया में तब चल रहा था वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कीमती चीज़ें जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्पाइसेस में ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मिले हैं। बार्टर सिस्टम को हिंदी में वास्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। वास्तु विनिमय प्रणाली और खेती उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया इस सिस्टम की भी खामियों से लोग परेशान होते गए। किससे कितना लेना है, कितना किसको कितना देना है, उससे निपटने के लिए सबसे पहले सुमेरियंस ने क्ले टैबलेट मिट्टी के टुकड़ों पे अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया। उसी पे गिनती करते थे और लेन देन उसको दे भी सकते थे। छोटा होता था क्ले टैबलेट, उसको स्टोर करके रख सकते थे, पॉकेट में रख सकते थे, वो पॉकेट से निकाल के उसको उस पर लिख सकते थे। तो वो उस टाइम पर प्रैक्टिकल था, वो स्टार्ट वहीं से हुआ था। जिसे बहुत जल्दी मेसोपोटामिया, बेबीलोनियंस और एंशियन इजिप्ट ने अपना भी लिया था। अकाउंटिंग स्टार्ट हुई लगभग 10,000 से 6,000 BC के बीच में, मगर ये सिस्टम तब फेल हुआ जब दिक्कत बहुत बढ़ गई। जैसे राम के पास दूध है और इसको चाहिए राइस, चावल, और शाम के पास चावल तो है बट उसको दूध नहीं चाहिए। सो इस सिस्टम में दोनों पार्टी का रजामंद होना ज़रूरी है। फिर आए काउरी शेल्स। अफ्रीका, एशिया और कहीं कहीं यूरोप में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल में लाए गए। नेटिव अमेरिकन इसको वामपुम भी कहते थे। ये पहला बेसिक भी हुआ पैसे के लिए। पैसे जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका ये पहला बेसिक भी बना। वैल्यूबल आइटम्स के अलावा काउरी शेल्स, मतलब वैल्यूबल आइटम्स में तो ट्रेड करते ही थे कि कॉपर है, क्या कोई मेटल की चीज़ है, कुल्हाड़ी है, हथियार है, कोई चक्कू है, उसके बदले ट्रेड कर लिया है ना। गोल्ड सिल्वर तो है ही, बट उस काउरी शेल्स अब एक बेसिक बन रहे थे कि उससे भी यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब दो तीन कई जगह अलग अलग पार्ट्स में उससे भी ट्रेड हो रहा था। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो सबसे पहले सिक्के कॉइन्स 7th century में यूज होना स्टार्ट हुए, जो कि मेटल, गोल्ड और सिल्वर के थे। और इंडिया में 6 BC में कॉइन्स यूज होना स्टार्ट हुए। जनापदास और महाजनापदास का राज्य था उस टाइम पे। फिर अर्ली हिस्टोरिक इंडिया में गंधारा, कुंतला, कुरु, मगधा, पंचला, शखाया, सुरासेना, सुराष्ट्र और विदर्भ राज्यों ने कॉइन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे सिक्के स्टैंड होते थे, उस पर सिंबल होता था या कुछ लिखा होता था, राजा से जुड़ा होता था या उसकी प्राइस होती थी। वर्ल्ड का सबसे पुराना कॉइन लिडियन लायन है। 600 से 610 BC के बीच में लिडियन किंग क्रोसियस द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा है इस टाइम पे। तब लिडिया ग्रीस से ट्रेड करता था। आज के टाइम का लिडिया मतलब तुर्की। बट कॉइन सिस्टम में भी कई इश्यूज थे, जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स को गिनना, कौन गिने इतने सारे कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स का होना, उनका वजन बहुत ज़्यादा, इधर उधर ले आने में इशू, चाहे कोई हो राजा हो, ट्रेडर हो, चाहे आम आदमी हो, अगर बहुत सारा कॉइन है तो इधर से उधर ले आने में उसकी वजन की वजह से इशू है। तब फिर आया पेपर मनी। सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ 7th AD टैंग डायनेस्टी के दौरान, यानी आज से 1300 साल पहले। इसको आसानी से गिना भी जा सकता था और इधर उधर ले जाया भी जा सकता था। टैंग डायनेस्टी में इसे फ्लाइंग मनी भी बोलते थे, बट रियल में ये था आई ओ यू बिल। इसमें लिखा होता था कि राजा उस बिल के बदले, जो भी उस जितने भी उसमें अमाउंट है उसके बदले आपको वैल्यूबल आइटम देगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर या हीरे जवाहरात। इसे भरोसे पर ट्रेड होना ये स्टार्ट हुआ पेपर मनी।
फिर लोगों ने सोचा कि इसे बार बार राजा के पास कौन लेके जाए, सामान तो यहीं इर्द-गिर्द से लेना है, तो लाओ आपस में ट्रेड कर लें। आपस में वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, सामान लेन देन होना स्टार्ट हो गया। फिर ये सिस्टम अडेप्ट होते होते 11th सेंचुरी सोंग डायनेस्टी तक का वक्त लग गया। फिर एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने सिस्टम को जाना, 13th सेंचुरी में यूरोप ले गए, सबको दिखाया बताया। फिर पहला प्रॉपर बैंक नोट 18th सेंचुरी में नेपोलियन द्वारा इशू हुआ। आज तक 125 ट्रिलियन डॉलर पेपर मनी प्रिंट हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसमें से संध्या 22 तक इंडिया में 31.22 मतलब 31.22 करोड़ प्रिंटेड मनी है सर्कुलेशन में। ब्रिटेन फिर 1816 में एक लॉ लेकर आया कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा वो उतनी ही करेंसी बना सकता है, उतना ही पेपर मनी छाप सकता है, उतने ही कॉइन बना सकता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से के नाम से जाना गया और ग्लोबली इसे अपना भी लिया गया। जब किसी देश में पैसा ज़्यादा होता है तो होता है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, और जब पैसा कम होता है तब होता है डिफ्लेशन, जो कि बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। कारोबार बिजनेस ना होना, जॉब्स ना होना, इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, जैसा 1930 में US अमेरिका के साथ हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है इसे। तब देश में हर चीज़ के रेट्स कम थे, बिजनेस हो नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों के पास कैश था ही नहीं, जॉब्स थी ही नहीं, इसी वजह से US की इकोनॉमी भी क्रैश हो गई। उतना गोल्ड था ही नहीं कि वो पैसा छाप पाएँ और नीड्स को अपनी फुलफिल कर पाएँ। फिर 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका सॉल्यूशन निकालते हुए डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया, इसका रिश्ता ख़त्म कर दिया, और फिर बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया पैसा छापना, जिसमें बैंक सबसे आगे रहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापना। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैसा होना भी तो प्रॉब्लम है, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी। उसी को मैनेज करने के लिए अब अमेरिका ने फेड बनाया, सेंट्रल बैंक फेड, जो इस बात का ध्यान रखे, रेगुलेट करे, देख रेख करे कि ना पैसा ज़्यादा हो ना कम हो। बट ये गोल्ड से अलग होने की वजह से सिर्फ पेपर मनी यानी पेपर ही रह गया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं सिवाय पेपर के। मगर US ने इसको बना दिया फिएट मनी, यानी ट्रस्ट सिर्फ भरोसे पर। वर्ल्ड की आज की डेट में लगभग सारी मनी करेंसीज फिएट मनी ही हैं, US की तरह, चाहे वो इंडिया हो या यूरोप, सबकी करेंसी फिएट मनी ही है, ना कि गोल्ड के भरोसे है, ये सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे पर है। गवर्नमेंट्स करेंसी को अलग अलग तरीके से बैक करती है। फिर 1980s में आया डिजिटल मनी का दौर, और 1989 एम्स्टरडैम में पहली कंपनी आई डिजी कैश। ये अनट्रेसेबल पेमेंट्स का आइडिया मिस्टर डेविड चाउंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1983 में। फिर आया ई गोल्ड 1996 में। फिर कोका कोला ने 1998 में अपनी वेंडिंग मशीन्स पर मोबाइल से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम 1998 में पेपैल US की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी भी लॉन्च हुई थी। फिर फाइनली आया डिजी करेंसी का बिटकॉइन, ये 2009 में लॉन्च हुआ था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है, इसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो में किसी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कोई संस्था का कोई मतलब है, किसी का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति, किसी सिंगल पर्सन के पास इसका पावर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। आज की डेट में सिर्फ एक बिटकॉइन का प्राइस है 21,44,198 रुपीस, इंडियन रुपीस। आप सभी को पता है पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसके पास जितना हो कम है, ये भी टाइम टू टाइम हमारे नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, और काम भी आया। जैसे UPI जो इंडिया में 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज हम सब भारत पे, भीम, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स के द्वारा यूज़ करते हैं, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड्स में। इंडिया ने इस सिस्टम से स्पीड और टाइम को बीट कर दिया बाकी करेंसी सिस्टम से, क्योंकि चाहे कैश हो या कॉइन्स या गोल्ड, इधर से उधर ले जाने में टाइम तो लगेगा ही, और बैंक्स भी कई तरह के ट्रांजैक्शन फैसिलिटी से चेक, RTGS, NIFT
बट 24/7 आपके मोबाइल पर ही UPI से कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांजेक्शन लगभग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। UPI सिस्टम बहुत काम आ रहा है इकोनॉमी को ग्रो होने में। इस सिस्टम को US और यूरोप और भी कई कंट्रीज भी अपनाने जा रही हैं। आई एम प्राउड टू बी इंडियन कि पैसा चाहे जहाँ से भी शुरू हुआ हो आज हम इंडियंस लीड कर रहे हैं और बीट कर रहे हैं बाकी सिस्टम्स को ऑल ओवर वर्ल्ड। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।